प्रभु का पावना, प्रभु का पावना, जय गोदे। सर्व समर्थ सर्व प्रश्नोणी परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संग जान प्रेम बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहरबानी। और आज 6 मार्च 2018 कोई कार्यक्रम यहाँ पर निर्धारित न होते हुए भी इतने लोगों को एक दूसरे से मिलने देने और सामूहिक रूप से ध्यान भजन करने का मौका मिला, बहुत बड़ी दया गुरु महाराज की मानी जाएगी। देखो अभी आपने थोड़ी थोड़ी देर ध्यान और भजन किया, असली चीज यही है, बाकी जो दुनिया का काम है ये सब स्वप्नवत है। स्वप्नवत किसको कहते हैं? रात को सपना देखते हो, राजा महाराजा बन गए, शेर साहूकार बन गए, जमींदार बन गए, पैसे वाले बन गए, बड़े अधिकारी बन गए, लेकिन आप सोचते ही वो चीज खत्म हो जाती है। सपना तो देखते लेकिन वो खत्म हो जाती है आँख खुलते ही। जब आँख बंद रहती है तो सपने देखते हैं और आँख जब खुल जाती है तो वास्तविकता यानी समझो मालूम हो जाती है। ऐसे ही जब आप आँख बंद करते हो यानी जो समझो कि दुनिया की चीजों को यानी आप अपना ही समझते हो उसी के लिए दौड़ते रहते हो, और जब आपकी आँख खुल जाती है अंतर्वर्ती आँख खुल जाती है, साधना करते हो, ध्यान लगाते हो, मालिक की दया के द्वार पर बैठते हो, दया मिल जाती है, भजन करते हो, आवाज आपको सुनाई पड़ जाती है, तब ये मालूम हो जाता है कि असली चीज वो है। इसको भी एक दिन छोड़ देना है, ये अन्य दुनिया छोड़ने वाली चीज है और उस चीज के लिए हम दौड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसको छोड़ करके चले गए। तब जब इस चीज की जानकारी हो जाती तो सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा, तब आदमी ये सोचता है कि इस नकली चीज में आदमी नहीं फंसना चाहिए, असली चीज पकड़ना चाहिए कि कहाँ जाना है, इसको छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, या हमारी जीवात्मा कहाँ जाएगी, 84 से इसको कैसे बचाया जाए, तब आदमी को ज्ञान होता है। तो ज्ञान किसको कहते हैं? याद करने को। और भजन किसको कहते हैं? भगने को। भगने का मतलब क्या होता है? घर छोड़ के भगना नहीं, दुनिया की तरफ से भगना, दुनिया की तरफ से ध्यान पहुंचाना और उस मालिक की तरफ लगाना। तो आप सब लोग भाग्यशाली हो कि जिनको ये मनुष्य जीव मिला, यह साधना का मंदिर मिला और इसमें वो रास्ता भी आपको मिला कि जिससे दुनिया की तरफ से ध्यान हटा करके मालिक के तरफ लगा करके आप मालिक का दर्शन दीदार कर सकते हो, देवी देवताओं का दर्शन दीदार कर सकते हो। जब मालिक मिल जाता है तो दुनिया की चीजों के लिए तरसना नहीं पड़ता है। एक काम अगर आप यही कर ले जाओ, ध्यान भजन में रोज बैठने लग जाओ, तो दुनिया का काम आपका आसान हो जाएगा और दुनिया की चीजें ये न इच्छा रखते हुए भी मिलेंगी। आप इच्छा जिस चीज की करोगे वो चीज तो मिलेगी, कल जिस चीज की खाने पहनने की चीजों की जरूरत है, मान सम्मान की चीजों की जरूरत है, वो चीज तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन न चाहते हुए भी अन्य समय बहुत सी चीजें मिल जाती है। कहते ना हमको ये सम्मान नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, लेकिन ये मिल गया तो
अब आप ये समझो कि एक को यही साधो, बस केवल साधन भजन में आप लोग लगो। सुमिरन जब ठीक से होता है तो ध्यान और भजन में मदद मिलती है। ये जो धनी है, इस समय पर इनका सुमिरन कराया जाता है, ये खुश हो जाते हैं। इनके लोगों से आने जाना रहता है तो ये फिर मदद कर देते हैं। ये कोई बाधा में भी बाधा नहीं डालते हैं, और नहीं तो फिर निकल पाना इनके लोगों से बड़ा मुश्किल होता है। तो जो गुरु की दया होती है, जब समर्थ गुरु होते हैं मिलते हैं तो वही निकाल करके ले जाते हैं। नहीं तो अच्छे अच्छे लोग फंस गए, और बहुत से भी वैसे भी हैं कि जो अन्य साधना के शब्द से कमाई नहीं किया, शब्द उनको उनको नाम नहीं मिला, शब्द रूपी नाम नहीं मिला, ध्वनिमात्मक नाम नहीं मिला, लेकिन उन्होंने साधना किया, तपस्या किया उन्होंने, तो भी वो भी फंसे हुए हैं। उन्हीं लोगों में, बीच वाले लोगों में फंसे हुए हैं। वो बराबर प्रार्थना सदगुरु से करते रहते कि आप हमको लेते चलिए। दया करके अन्य समझो कि जो शब्द विहीन लोगों ने साधना की और जिनकी आत्मा निकली, उन पर दया करके नीचे उतार देते हैं। जो शब्द के कमाई करने वाले हैं, वो जो बीच में फंसे होते हैं, दया करके उनको ले भी जाते हैं। तो गुरु के दया की जरूरत अंतर में विशेष रूप से पड़ती है। तो गुरु महाराज समर्थ मिले, मनोमन आपको मिल गया, मनु शरीर आपको मिला, इसलिए उनके आदेश का जब पालन आप करोगे, गुरु भक्ति जब आप करोगे, वो जो बोले सुमिरन ध्यान भजन सब प्रेमियों जितने भी प्रेमी हो सब लोग करते रहना, तो दया आपको मिलेगी। यह है दया का घाट, सुमिरन करना दया का घाट, ध्यान करना दया का घाट, भजन करना दया का घाट है। दया के घाट पर जब बैठोगे तो वो दयालु दया करेगा, और जब दया हो जाएगी तो काम हो जाएगा। और मेरी रतन साधन से नहीं हुई, और तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, इस शरीर से साधना हो पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब उनके आदेश का पालन किया जाता है, बैठा जाता है, सुबह शाम जब हाजिरी लगाई जाती है, तो अन्य कृपा हो जाती है, दया हो जाती है। कोई अन्य बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत ही समय पर कलयुग में आसान है, लेकिन बस थोड़ा सा आदेश का पालन करने की जरूरत है। दुनिया की तरफ से ध्यान को हटा करके उधर लगाने की जरूरत है। तो आप सब लोगों के ऊपर बड़ी दया हुई गुरु महाराज की, और आप यहाँ पर आए, इतने प्रेमी अन्य एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो आप प्रेमी से प्रेमी मिले और भक्ति ऋण हो। जब एक दूसरे से प्रेमी मिलते हैं तो गुरु की चर्चा होती है, और गुरु की चर्चा होती है, गुरु की महत्ता जब समझ में आती है, तब गुरु भक्ति अन्य समझों की बढ़ती है। तो जब गुरु भक्ति मिलती है तभी इस बंधन से, यानी जब गुरु भक्ति हानि होती है तभी बंधन से छुटकारा पाया जा सकता है। काम होते बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, अजीर्ण बंधन चित्त के कठिन नाम पर था। जब तक मोटे जाए जीने कैसे जाए, या फिर सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमाए। देखो पुत्र का बंधन, औरत का बंधन, परिवार का बंधन, धन का बंधन, जमीन जायदाद का बंधन, पद प्रतिष्ठा का बंधन, ये सारे बंधन हैं। जिनके देश में आप रहते हो, काल भगवान उन्होंने बंधन में बांध दिया, जकड़ दिया, इससे निकल पाना अनि बड़ा मुश्किल होता है। इससे तभी निकल सकते हैं जब गुरु के वचन को याद रखते हैं। ये मिथ्या है जगत सब मिथ्या, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, ये सपनवत है, इसमें सपने में विश्वास करके इसमें फंसो मत, सच की तरफ चलो। जब वो वचन याद रखते हैं, अन्य गुरु के वचन याद रखते हैं और सच्चाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब इधर से लगाव हटता है। नहीं तो देखो अच्छे अच्छे फंस गए, अन्य रोमेलों के अन्य निकल नहीं पाए, तो अब आप ये समझो कि फंसना नहीं है। रहो इसी समाज में, घर में ही रहो, बाल बच्चों के बीच में ही रहो, लेकिन ध्यान भजन के लिए सब लोग समय जरूर निकालो सुबह शाम। यानी तभी यानी आप समझो कि इधर कभी बंधन नहीं होंगे, जब अंदर में रस मिलेगा, अंदर में दया मिलेगी, तभी जो इंद्रियों के घाट पर बैठकर ये मन रस ले रहा है उधर से हटेगा। जब अमीर रस ये पिएगा तभी इधर से हटेगा। तो अमीर रस कब पिएगा कि जब अनिधीनी बंधन कटेंगे, अनिधीनी लोग की जो चार शरीर में जीवात्मा बंधे,
उससे जब निकलेगी और जब ये पहुंचेगी यानी शब्द को पकड़ेगी त्रिपुटी के आगे, तब ये मन ढीला पड़ेगा और नेत्र तक ये मन परेशान करेगा। पिंडी मन अंडी मन ब्रह्मांडी मन ये परेशान करता रहता है। इसलिए यानी आप रहो घर में ही, लेकिन उस तरह से यानी अपने खान पान और आचार विचार हर व्यवहार को रखो है कि जैसे एक कटोरे में मक्खी, एक कटोरे में शहद रख दिया जाता है, एक मक्खी आती है कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है, दूसरी आती है कटोरे में कूद पड़ती है, पेट भर के शहद खाती है लेकिन पंख फंस जाते हैं। खाती दोनों शहद हैं लेकिन एक का पंख फंस गया और दूसरे का जो है यानी समझ में नहीं फंसा, खाकर निकल गई। ऐसे ही जब तरीका मालूम हो जाता है तो एक रास्ता संशय के जैसा अनुभव होता है और नहीं तो हिम्मत जैसा होता है। लड़ाई झगड़ा दोनों स्थायी सदेश और ये सारी चीजें यानी घर में व्याप्त हो जाती है तो शांति खत्म हो जाती है, शांति आ जाती है। तो मोटी बात आपको यह समझना है कि ध्यान भजन के लिए इस समय पर जो आदेश है कि सुबह शाम सब लोग ध्यान भजन में बैठे, तो जगह जगह गाँव में अपने ध्यान भजन का केंद्र बना दीजिए। जहाँ नहीं भी बना है, एक भी आदमी आप अपने गांव के अगर इस बात के लिए तैयार हो जाओगे कि हम अपने यहाँ घर पर सबको बुला करके ध्यान भजन कराएंगे, गांव का एक भी आदमी अगर इस तरह तैयार हो जाओ कि हम सबको बुला करके लाएंगे वहाँ बैठाएंगे, इस तरह से एक भी देवी एक भी माँ बहन अगर तैयार हो जाएगी कि हम महिलाओं को इकट्ठा करके बैठाएंगे तो अनेक समय के लोग आने लगेंगे और जब उसमें रस मिलेगा आनंद आएगा भजन में तो उसका मन ही नहीं मानेगा, तड़प अंदर पैदा हो जाएगी। जब भजन का रस मिलेगा ध्यान जब करेगा अंतर्मुख को देखेगा सुनेगा तो तड़प पैदा होती है और ध्यान भजन करता है, मैंने भी करता वहाँ भी जाता है, नियम बना लेता है। तो ये काम आप सब लोग यानी असले काम में लगो और लोगों को लगाओ। दूसरी चीज ये है कि देखो आगे का समय बहुत खराब आ रहा है, उस खराब समय से बचने के लिए और लोगों को बचाने के लिए यानी लोगों को समझाते रहो कि भाई शाकाहारी रहो सदाचारी रहो, ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए पागल हो जाओ और फिर जो है प्रकृति के भगवान के नियम समाज के नियम के खिलाफ काम होने लग जाए और फिर जो बुरे कर्म बन जाए पाप बन जाए तो उसकी सजा मिल जाए। इसलिए लोगों को समझाते रहो, नामदान के लिए लोगों को समझाते रहो कि अब कलयुग में ऐसा नाम जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम अधारा सुमे सुमे में उतरे पारा, उसी से पार होना है, उसी नाम से पार होना है कि जिसके लिए मीरा ने कहा पायो मैंने नाम रतन धन पायो वस्त्र मोलक भी मेरे सदगुरु कृपा करे अपना हो। तो उस नाम को दिलाने के लिए लोगों को प्रेरणा देते रहो, समझाते रहो, प्रयास करते रहो और मौका जब मिल जाए तो नामदान दिला दो। अब आप लोग नामदान तो दिला देते हो लेकिन ध्यान भजन उसे कराते नहीं हो, समय ध्यान भजन समझाते नहीं हो, तो नामदान पहले दिलाओ और उसके बाद समय ध्यान भजन समझाओ बोला बोला करके और फिर बैठाओ तो आपको भी कुछ लाभ मिल जाएगा। देखो भोजन जो बनाता है उसको भी फल मिलता है, जो सामान लाता है उसको भी मिलता है और जो खर्च करता है उसको भी मिलता है और जो खिलाता है परोसता है उसको भी फल मिलता है, सबको मिलता है। ऐसे ही यानी समझाने वाले को लाने वाले को नामदान समझाने बुला करके कराने वाले को सबको लाभ मिलता है। तो मौका आपके लिए अच्छा है, घर देखो फुलेरा में कार्यक्रम है, फुलेरा में लेकर के लोगों को आ जाओ, बिंदो में आप लोगों को तो सत्संग में आने चाहिए, सत्संग जल जब कोई पावे महिला ही सब कट कर जावे तभी सफाई होती है यानी समझो अंतरात्मा की। और मैं तो आपको पता भी नहीं चलता है कि कहाँ से कर्म आ गए और कैसे आ गए, क्योंकि कुछ अनजान में भी बन जाते हैं, कुछ तो ज्ञान में बनते हैं लेकिन कुछ अनजान में बन जाते हैं, तो वो जब कर्म आ जाते हैं तो कर्म परेशान करते हैं। तो वो यही कारण है कि कर्मों की सजा में ही आदमी आने परेशान है, वो सत्संग भी नहीं आ पा रहा, भजन ध्यान भी नहीं कर पा रहा, तो वो कर्म का
काटने के लिए कटवाने के लिए अन्य मौका है, तो लोगों को समझा करके परिणाम लाना दिला सकते हो और सत्संग में आकर के बातों को सुन करके समझ करके अपने अंदर बदलाव ला करके और वजन करके अन्य अपने कर्मों को काट करके आप अन्य समय लोग सुख शांति का अनुभव कर सकते हो। तो आत्मन बनाओ और लोगों को नए लोगों को भेजा करके कर दिला सकते हो। देखो यहाँ जो है कोई कार्यक्रम कर सकता है, ये तो उन्होंने कहा था कि रुकने के लिए, तो यहाँ पर जो है आ गया, कल जाऊंगा सत्संग, तो आप इतने लोग आ गए तो हमने थोड़ी थोड़ी देर आपको ध्यान भजन भी करा दिया और जो है थोड़ा सा सुना भी दिया। अच्छी चीज एक चीज यही पकड़ लो, खुशी से सब काम बन जाएगा, दुनिया भी बन जाएगी, दीन भी बन जाएगा। दुनिया को तो कहती बनना है, खाने पहनने की कोई दिक्कत ना हो और समझो कि मान प्रतिष्ठा इज्जत हो और पत्नी समझो कि पति प्रथा हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, तो कहते इनका लोक बना हुआ है। तो लोक बनाना इसको कहते हैं और लोक बनाना किसको कहते हैं, यहाँ मृत्यु लोक में रहते हुए मृत्यु लोक है, इसके आगे भी स्वर्ग ब्रह्म ब्रह्मकार ब्रह्मकार महाकाल और शत्रुओं का लख लोक अगम घोषित लोक है, तो उन लोगों के भी उन लोगों के भी शहर होने लग जाए। इसी तरह शास्त्र में अन्य शरीर के सुख के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होते हुए इसे शरीर में ऊपरी लोगों का दर्शन होने लग जाए। ऊपरी लोक के जो धनी है और जो देवी देवता जिनको कहते हो भगवान कहते हो उनका दर्शन होने लग जाए तो उसको वो परलोक बनाना कहते हैं। तो लोक भी बनता है, परलोक भी बनता है। तो बोलो जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भंडारा होगा गुरु महाराज का उज्जैन में 11 और 13 मई को, उसकी भी तैयारी अभी से करना है। अभी काफी में आपके से आप भी से बहुत से लोग गए थे, जिले के लोग गए, भंडारा भी चला, बहुत अच्छा रहा। इसी तरह उत्साह होना चाहिए, उत्साह के साथ कोई काम जब किया जाता है तो उसमें सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है। उत्साह होना चाहिए यानी भंडारे में आने के लिए, लोगों को लाने के लिए, वहाँ पहले पहुँच कर अपनी सब व्यवस्था संभालने के लिए उत्साह होना चाहिए। हिम्मत जिसके अंदर होती है, उत्साह होता है, वो हर जगह कामयाब हो जाता है। मालिक तब उसके ऊपर विशेष दया करता है, वैसे दया तो सबके ऊपर करता है लेकिन उन पर विशेष दया करता है जो संकल्पित काम करते हैं, संकल्प बना लेते हैं हमको चलना, हमको लाना, हमको ऐसा करना है। आप देखो संगत ऐसे थोड़ो बड़ी, गुरु महाराज ने कहा कभी कहा एक आदमी 50 आदमियों को नामदान दिलावे, कभी कहा 20 को दिलावे, कभी कहा 5 को दिला, 10 को, इस तरह से ऐसे अन्य लोग जब नामदान लिए और भजन करने लगेगा गुरु महाराज के पास आने जाने लगे तो ये जो तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, लड़ाई झगड़ा है, ये जो टेंशन है, ये जब कम हुआ तो बराबर आना जाना शुरू हो गया। और जब सत्संग सुनने लगे और तब इंद्र ने इच्छा भी जगी भजन करने की, तो बहुत से लोग भजन करके पार भी हो गए, अब इस दुख के संसार में आने वाले नहीं है। तो आपकी भी तैयारी अन्य भंडारे की होनी चाहिए जोर शोर से। तो बोलो जय गुरुदेव, बराबर जय गुरुदेव नाम बोलते रहना बराबर, और जय गुरुदेव नाम का प्रचार भी करते रहना, बताते रहना लोगों को कि हर मुसीबत में मददगार है। जो भी शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त व्यक्ति है, कभी भी अन्य मुसीबत में जय गुरुदेव नाम को बोल करके अपनी जान माल की रक्षा कर सकता है। बराबर प्रचार करते रहना जय गुरुदेव नाम का। बोलो जय